बरसाना की लठामार होली को लेकर पुलिस आयुक्त आगरा ने की समीक्षा बैठक। बरसाना नंदगांव में आने वाली 18 और 19 मार्च को लठामार होली की व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर आगरा पुलिस आयुक्त ने बरसाना के पीडब्ल्यूडी के सभागार में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। पुलिस आयुक्त आगरा ने लठामार होली की तैयारियों व व्यवस्थाओं को बहुत अच्छी और बेहतर बताया और आने वाले समय में लठामार होली और भी व्यवस्थित होने की बात कही। वहीं श्रद्धालुओं के चढ़ाई वाले रास्तों पर जगह जगह बैठने की व्यवस्था से लेकर मंदिर में चैनल बनाकर श्रद्धालुओं के प्रवेश और पार्किंग से लेकर पीने के पानी व छाया में विश्राम करने जैसी सुविधाएं पर विशेष ध्यान देने की बात कही। वहीं बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लेकर जिले के आलाधिकारी मौजूद रहे। गोवर्धन से तेजस शर्मा खास की रिपोर्ट। मार होली है और आगे नंदगांव में होगी, उन सभी व्यवस्था की समीक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी समीक्षा की गई और SSP और उनकी टीम प्रशासन की तरफ से भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं और आने वाले दिनों में जो होली का पर्व होगा वो बहुत ही खुशहाल रूप से मनाया जाएगा, ऐसी हम लोग मनोकामना कर जी। देखिए पार्किंग की व्यवस्था सर्वप्रथम उनके लिए की जा रही है, पार्किंग की जगह उनके लिए टॉयलेट की फैसिलिटी और पीने के पानी की फैसिलिटी, बैठने की फैसिलिटी, एक उनको छत दी जाएगी ताकि वो छाए में बैठ सकें और जगह जगह जो चढ़ाई का मार्ग है उसमें जगह जगह भी बैठने की व्यवस्था की जाएगी, पानी की व्यवस्था की जाएगी और एक उनकी जो दर्शन की व्यवस्था है वो सुव्यवस्थित ढंग से हो और उसका क्यू मैनेजमेंट अच्छे से हो, ये भी उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। और बाकी जो नीचे उतरने का मार्ग है उसमें भी हम अपनी पुलिस की व्यवस्था रखेंगे और किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो इस बात का विशेष रूप। देखिए सबसे पहले तो भीड़ नियंत्रण में हमने जो मार्ग चढ़ने का चुना है और उतरने का वो अलग अलग है, तो एक तरीके से जो मार्ग हमारा चढ़ने का है वो केवल चढ़ाई के लिए है और उतरने का अलग से मार्ग है, तो इससे ये होगा कि और वो खुला मार्ग है तो इससे ये फ़ायदा है कि किसी प्रकार का दबाव जो भीड़ का है वो नहीं महसूस होगा, खुले में लोग आराम से अपना चल सकते हैं, जब थक जाएं तो बैठ भी सकते हैं, पानी की भी व्यवस्था है और अंदर जाके मंदिर परिसर में वहाँ पर चैनल्स बना दिए जाएंगे ताकि वो चैनल के माध्यम से ही क्यू के थ्रू अपना दर्शन कर सकें और दूसरी ओर निकलकर फिर नीचे सीढ़ियों के माध्यम से उतर सकें। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस बारी व्यवस्था की गई है यही है।